सो स्टार्ट करते हैं आज साइंस एंड टेक के पार्ट से। तो इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं इस बार सितंबर के करंट अफेयर मैगजीन में, तो उनको देखते हैं। पहला आर्टिकल है बैटरी एनर्जी स्टोरेज के ऊपर। सो अभी नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाला था विद द टाइटल एडवांस केमिस्ट्री सेल एनर्जी स्टोरेज इन इंडिया रिपोर्ट। सो अब ये एडवांस सेल केमिस्ट्री है क्या? सो दीज आर न्यू जनरेशन एडवांस स्टोरेज टेक्नोलॉजी जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करती है इधर एज इलेक्ट्रोकेमिकल और एज एंटायरली केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं हम लोग और बाद में उस चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल है या केमिकल है इसको यूटिलाइज करके वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज काइंड ऑफ एक्टिंग एज अ स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब जरूरत क्यों पड़ रही है इसकी? बिकॉज इंडिया के अंदर हम लोग तेजी से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, या नेट जीरो कार्बन एमिशन की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ा या एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही रहेगा कि हम चीजों को इलेक्ट्रीफाई कर दें। ठीक है, तो उससे हमारा जो सिस्टम है वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, जो कार्बन एमिशन था वो कॉन्सिक्वेंटली कम भी होगा। ठीक है, सो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रीफाई चीजें कर रहे हैं। अभी इलेक्ट्रीफाई का अगर एग्जाम्पल दूं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल काफी उसके अंदर पॉपुलर हो रखे हैं। ठीक है, सो अभी इंडिया के अंदर हमने इसके लिए पीएलआई स्कीम में भी एसीसी के ऊपर हमने पीएलआई स्कीम भी दी है। पीएलआई क्या है? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, ताकि इसका मैन्युफैक्चरिंग हम लोग बढ़ा सके इंडिया में। अब एनर्जी स्टोरेज हमने बात कर ही लिया कि जो एनर्जी आ रही है वो इंटरमिटेंट है या कॉन्टिन्यूसली हमें नहीं मिल रही। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की बात करूं सोलर का, तो वो केवल आपको दिन में मिल रहा है लेकिन रात में नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आप 24/7 इलेक्ट्रिसिटी उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको अगर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो आपके पास सफिशियंट अमाउंट की बैटरी होनी चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी को दिन में स्टोर कर ले, और रात में जब सोलर पावर नहीं है तब उस इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करे। ठीक है, यूसेज की बात करें बैटरीज की तो बहुत मल्टीपल यूसेज है, लेकिन ब्रॉडली अगर क्लासिफाई करना चाहें इनटू कैटेगरीज तो यूल से कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन होते हैं लाइक फोन्स, लैपटॉप, कैमरास एक्सेट्रा। फिर स्टेशनरी एप्लीकेशन जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अगर कभी किसी डिस्कॉम में अगर आप गए हो तो वहां आप देखोगे वहां पे बैटरी बैंक होता है, या हमारे घर में इन्वर्टर लगा होता है। तो ये एक स्टेशनरी एप्लीकेशन हो गया। देन ट्रांसपोर्टेशन का एप्लीकेशन हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हम बात करें। तो ये ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ यूसेज है बैटरीज का। अब आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरीज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। सो पहला कैटेगरी ऑफ बैटरी है लेड एसिड बैटरी। तो ये सबसे कॉमनली यूज्ड और कॉमनली नोन बैटरी हम लोग जानते हैं। हमारे घर में अगर जो डोमेस्टिक इन्वर्टर है वहां सब जगह ये लेड एसिड बैटरी यूज होती है। लेड है और एसिड कौन सा है इसमें? सल्फ्यूरिक एसिड है। ये आपस में रिएक्ट करता है और बहुत ही मेच्योर टेक्नोलॉजी है, लो कॉस्ट है और रोबस्ट है। कहने का मतलब कहीं पे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत ही चीप है। अब इसके डिसएडवांटेजेस बताऊं तो पहला हैवी है, बहुत ज्यादा बल्की है। कभी बैटरी को उठाने की कोशिश करना आपको पता लगेगा कितना बल्की होता है एक नॉर्मल इन्वर्टर का बैटरी। ठीक है, दूसरा इसमें से कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, लीकेज होने का खतरा रहता है। जैसे इसमें एसिड होता है तो कई बार आपके फ्लोर पे लीक कर जाता है और फ्लोर खराब कर देता है। ठीक है, तो वो एसिड लीक का खतरा रहता है और हाइड्रोजन भी ट्रेस अमाउंट में रिलीज करता है। इसीलिए कई कभी भी ऐसी कोई बड़ी जगह है जहाँ पे बहुत सारी बैटरी एक साथ रखी हुई है, स्मोकिंग वगैरह अलाउड नहीं होती बिकॉज उसमें से हाइड्रोजन निकलता है, वो कंबस्टन कर सकता है और एक कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसलिए स्मोकिंग अलाउड नहीं होती इन एरियाज के आसपास। नेक्स्ट आते हैं निकल कैडमियम। तो निकल कैडमियम बैटरीज ये डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होती है, इनको मूव करना बहुत आसान है एंड दे आर लेस बल्की देन द लेड एसिड बैटरी। ठीक है, तो बहुत एजाइल कह सकते हैं ये निकल कैडमियम बैटरी है। लेकिन इश्यू क्या है यहाँ पे? कैडमियम जो है एक हैवी मेटल है और
इसके एनवायरमेंटल कंसर्न्स है। तो एक डिजीज होती है कैडमियम से, कोई बता सकता है कौन सी डिजीज होती है? इटाई 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 हाँ करेक्ट, तो इताई इताई डिजीज होती है, ये अपने को पता होना चाहिए। सो इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि निकल कैडमियम बैटरीज का लार्ज स्केल पे इस्तेमाल हो। नेक्स्ट, निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी है, तो यहाँ पे हमने कैडमियम को हटा दिया है और निकल और एक जगह हाइड्राइड का कैथोड और एनोड लगा दिया है। ठीक है, तो अब इससे हमने कैडमियम का जो एनवायरमेंटल इफेक्ट था उसको रिड्यूस कर दिया। लेकिन निकल का दूसरा इश्यू आ जाता है, निकल एक कॉस्टली मेटल है। ठीक है, तो कॉस्ट कंस्ट्रेंट पड़ जाते हैं निकल मेटल हाइड्राइड बैटरीज बनाने में। फिर आती है लिथियम आयन बैटरीज, तो ये भी अगेन बहुत ही कॉमनली नोन बैटरी है, बिकॉज हमारे मोबाइल फोन में और जितने भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादातर बन रहे हैं उन सब में लिथियम आयन बैटरी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें एडवांटेज क्या मिलता है, हायर एनर्जी डेंसिटी मिलती है, लाइटर और स्मॉलर है। ठीक है, किसी भी शेप साइज का बना सकते हो, चाहे फिर वो हमारा मोबाइल फोन हो या हमारे डिजिटल वॉच हो या फिर हमारा जो हमने रोवर मिशन भेजा था, अगर आपको याद हो तो हमने चंद्रयान 2 के अंदर एक रोवर भेजा था जिसका नाम था प्रज्ञान। ठीक है, तो प्रज्ञान के अंदर हम लोगों ने लिथियम आयन बैटरी का ही इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब चैलेंजेस की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है मटेरियल की अवेलेबिलिटी। ठीक है, इंडिया में हमारे पास लिथियम के सोर्सेज नहीं है, तो हमें पूरा का पूरा इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर डिपेंडेंट है इसके लिए, तो वो एक बहुत बड़ा इश्यू है। नेक्स्ट, सॉलिड स्टेट बैटरीज, तो अभी तक जो हम बैटरीज देखते हैं वो ज्यादातर लिक्विड या एक्वस फॉर्म में रहती है, लेकिन यहाँ पे ऑल सॉलिड स्टेट बैटरी की हम लोग बात करें, यहाँ पे हाई एनर्जी डेंसिटी मिलती है क्योंकि सॉलिड में जो पैकिंग है वो बहुत ज्यादा की जा सकती है, तो इसलिए हाई एनर्जी डेंसिटी मिलती है। चार्ज डिस्चार्ज जो है वो काफी अच्छी साइकिल है इसकी। लेकिन इश्यूज की बात करें तो चैलेंजेस है मैन्युफैक्चरिंग और फंडामेंटल टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग में। नेक्स्ट, अभी बहुत रिसेंटली ये डेवलप हुई है नई टाइप की बैटरी कॉल्ड मेटल ईयर। तो जैसा कि आप जानते हो बैटरी के अंदर हमेशा दो एंड होते हैं, एक होता है कैथोड एक होता है एनोड। ठीक है, तो अब कैथोड एक मेटल होता है और एनोड एक मेटल होता है। ठीक है, जैसे हमने बात किया निकल कैडमियम का, तो एक निकल होगा और एक कैडमियम होगा, वैसे ही जितने भी बैटरीज बनेंगे उनमें दो आपको ये पॉइंट लगाने पड़ेंगे और दो मेटल का रिक्वायरमेंट होगा डिफरेंट। लेकिन मेटल एयर के अंदर हम क्या करें, सिर्फ एक ही जगह हमें मेटल का रिक्वायरमेंट होगा कैथोड पे। ठीक है, जैसे जिंक एयर बैटरी बनाया या एल्यूमिनियम एयर बैटरी बनाया तो केवल कैथोड पे मेटल चाहिए, एनोड के ऊपर ऑक्सीजन जो कि फ्रीली अवेलेबल है हमारे एटमोसफेयर में वो ऑटोमेटिकली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे मेटल का खर्चा नहीं करना, इसलिए ये वाली जो बैटरी है ये चीपर होगी। और दूसरा, एनोड के लिए अब आपको अलग से स्पेस देने की जरूरत नहीं है बैटरी में, तो ऑटोमेटिकली हायर एनर्जी डेंसिटी आपको मिलेगी। ठीक है, बस एक मेजर इश्यू इसका ये रहता है, दीज आर नॉट रिचार्जेबल, एक बार वन टाइम यूज है, वापस रिचार्ज नहीं कर सकते आपको। ठीक है, नेक्स्ट सोडियम आयन बैटरीज है, तो ये लिथियम आयन बैटरीज की तरह ही काम करती है, लेकिन जो एनर्जी डेंसिटी है वो लिथियम आयन बैटरी से कम है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ बैटरीज, इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से जो हमें पता होना चाहिए था वो मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब बैटरीज के ऊपर हम फोकस क्यों कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा तो एक तो रीजन ये है कि जो हमारे कमिटमेंट है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस करने को लेके, जिसके चलते बैटरीज जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। ठीक है, तो जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी है वहां सब में हमें चाहिए होगा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में हमें चाहिए होगा बैटरी, तो इसलिए उस कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए बैटरीज बनाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, यूज ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज, तो अब हमारे पास रिचार्जेबल बैटरीज लार्ज स्केल में आने लगी हैं। ठीक है, थैंक्स टू लिथियम आयन बैटरीज, तो इसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत रैपिडली इनका यूज हो रहा है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं चैलेंजेस क्या है बैटरी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। तो पहला, रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी है, क्योंकि
इंडिया में हमारे पास ना तो लिथियम के कोई सोर्सेज है ना कोबाल्ट के सोर्सेज है, जिसकी वजह से हम लार्ज स्केल पे बैटरी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये लिथियम आयन या निकल कैडमियम वाली, ठीक है, तो वो एक इश्यू वाला चीज है। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, तो बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी को एस्टैब्लिश करने के लिए जो लोगों की जरूरत है, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, वो भी हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट, लैक ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्यू टू पेटेंट्स, ठीक है, तो ये पेटेंट्स या जो आईपीआर राइट्स लोग सिक्योर कर लेते हैं इनके ऊपर, वो भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं ट्रांसफर ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट, हाई इनिशियल कॉस्ट है सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, लैक ऑफ फाइनेंसिंग ऑप्शन, और लास्टली पॉलिसी एंड रेगुलेटरी एंड टैक्सेशन रिस्क, ठीक है, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये वाला जो पार्ट है ये सबसे प्रॉब्लमेटिक रहता है। टेस्ला का भी, टेस्ला से भी बात चल रही थी कि टेस्ला इंडिया में बैटरीज बनाए, तो टेस्ला के जो ओनर है इलॉन मस्क, उनका यही कहना था कि इंडिया में जो टैक्सेशन है वो काफी हाई है, ठीक है, तो इस टाइप की चीजें हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। अब देखते हैं नीड क्यों है, ठीक है, तो नीड पहला है कंपेरेटिव कंपेरेटिव या कंपेरेटिव एडवांटेज बोल सकते हो, अगर हमें सीख करना है तो, अगर हम जितना जल्दी बैटरीज को बनाना शुरू कर देंगे हमारे प्रोडक्ट जो है उतना ही चीपर हो जाएंगे और हम लोग एक एडवांटेज गेन कर सकते हैं इन सर्टेन सेक्टर्स लाइक मोबिलिटी, ग्रीन ग्रिड एनर्जी स्टोरेज या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस, तो हमारे प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट, एनर्जी सिक्योरिटी, करेंटली इंडिया एनर्जी के लिए लार्ज स्केल पे इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है, और जो इम्पोर्ट है वो डायरेक्टली लिंक्ड है ग्लोबल सप्लाई चेन से, तो कभी भी कोई सप्लाई साइड शॉक आता है तो इंडिया में एनर्जी के जो प्राइसेस के दाम है वो तुरंत बढ़ जाते हैं, और कॉन्सिक्वेंटली आप उसका इफेक्ट देखते हो ऑन डिफरेंट कमोडिटीज, जैसे सब्जी हो गया, मिल्क हो गया, जैसे ही पेट्रोल का रेट बढ़ता है अगले दिन मिल्क का रेट बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये सब इंटर रिलेटेड है। तो अगर हम ट्रांजिशन करते हैं टू ईवी, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो एक तरीके से इंसुलेशन हो जाएगा फ्रॉम द ग्लोबल शॉक, ठीक है, और जो एनर्जी का जो इम्पोर्ट बिल था वो भी रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अंदर हम लोग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पावर जो है ऑफ बैटरीज उसको एनहेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, मीटिंग क्लाइमेट गोल टारगेट्स, तो जैसा कि आप जानते हो 2070 तक हमने टारगेट रख दिया है कि हम कार्बन न्यूट्रल होंगे, तो उस डायरेक्शन में बैटरीज का बनना बहुत जरूरी है। फिर है ईवी व्हीकल एम्बिशन, अगेन एक हम लोगों ने एक टारगेट सेट किया है कि ईवी व्हीकल्स का जो सेल है वो हम 30% तक बढ़ा देंगे बाय द ईयर 2030, ठीक है, तो टोटल जो व्हीकल सेल हो रहे हैं उसमें 30% शेयर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल कराएगा। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, तो पहला इंसेंटिव देने की जरूरत है मैन्युफैक्चरर को, तो इसमें टैक्स क्रेडिट, फिजिकल इंसेंटिव, तो आप इसमें पीएलआई भी इंक्लूड कर सकते हो जो अभी हमने डिस्कस करी, पीएलआई ऑन एसीसी। नेक्स्ट, सिक्योरिंग रॉस मटेरियल सप्लाई, तो जैसा कि आप जानते हो लिथियम की अगर मैं बात करूं तो ये एबीसी कंट्री में मिलता है, एबीसी ट्रायंगल, क्या है एबीसी, तो दिस इज अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चाइना, यहाँ पे लिथियम के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो भी करंटली चाइना ने काफी हद तक उनको कंट्रोल कर रखा है, तो इंडिया भी ऐसे और कंट्रीज के साथ, अफ्रीका में भी कई सोर्सेज हैं जहाँ पे मिल सकता है, तो इन कंट्रीज के साथ पहले ही डील कर ले ताकि जो रॉ मटेरियल है उसको सिक्योर कर सके। नेक्स्ट, क्रिएटिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और वहां पे ये बैटरी मैन्युफैक्चरर्स को लगाए ताकि वो एक्सपोर्ट भी करें। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन आरएनडी एंड इनोवेशन, फिर है स्पेसिफिक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कैपिटल सब्सिडी हो गया, इंटरेस्ट सबवेंशन हो गया, ड्यूटी एग्जेम्पशन हो गया, और लास्टली अनलॉकिंग पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, के गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर साथ में आए और बैटरी प्रोडक्शन में हेल्प करें, ठीक है, सो दिस वाज अबाउट एडवांस केमिकल सेल बैटरी। इसमें किसी को ऐड करना है अभी तक जो पढ़ा उसमें कुछ? ठीक है, आगे चलते हैं, तो ये स्कीम्स देख लेना, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, FAME 1 और FAME 2 हम लोगों ने देख लिया था, आगे चलते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा पूरा। तो प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी, ये आप पढ़ते हो विद रिगार्ड्स टू बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसी इन जनरल, तो अभी न्यूज में किस लिए है, बिकॉज एक क्रिप्टो करेंसी है या एक क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है
मतलब दोनों ही चीजें हैं कि एक क्रिप्टो करेंसी भी है और एक क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफिक प्लेटफॉर्म भी है कॉल्ड इथीरियम। तो इथीरियम ने अभी स्विच कर लिया है टू मर्ज सॉफ्टवेयर रिसेंटली। तो मर्ज सॉफ्टवेयर में शिफ्ट कर लिया इथीरियम ने। उस पे थोड़ा सा डिस्कस करने से पहले एक चीज ये देखते हैं कि इथीरियम है क्या। तो इथीरियम एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जहाँ जिसका इस्तेमाल करके हम लोग डिसेंट्रलाइज ऐप बना सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं, इनफैक्ट क्रिप्टो टोकन्स या क्रिप्टो करेंसीज भी बना सकते हैं इथीरियम का इस्तेमाल करके। तो इथीरियम अपने आप में एक क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन इथीरियम एक प्लेटफॉर्म भी है जिसका इस्तेमाल करके क्रिप्टोग्राफिक या ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट, ये मतलब फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होना चाहिए। अब एक कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, बिटकॉइन माइनिंग की तरफ। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हो या कई बार आपने सुना होगा कि बिटकॉइन दो तरीके से लिया जा सकता है, या तो आप उसकी माइनिंग करो या आप वो किसी से परचेज करो। ठीक है, तो परचेज तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि आपने कुछ पैसे के बदले क्रिप्टो करेंसी खरीदी या बिटकॉइन खरीदा। लेकिन जब हम माइनिंग की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं या एक इंडिविजुअल जो है अपने कंप्यूटर के इस्तेमाल करके कुछ प्रॉब्लम्स या लॉजिक सॉल्व करता है जिसके रिवॉर्ड के फॉर्म में उसे बिटकॉइन मिलता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बिटकॉइन माइनिंग। सो अभी बिटकॉइन में या जितनी भी क्रिप्टो करेंसी थी उस सब के अंदर ये माइनिंग को कॉन्सेप्ट चलता था। यानी अगर आप अपना कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, ठीक है, जो कि इस बिटकॉइन से रिलेटेड है या किसी भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, तो उसके रिलेवेंट आपको कुछ क्रिप्टो करेंसीज मिलती थी एज रिवॉर्ड। तो इसको हम कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। ठीक है, POW। अभी POW को यहीं पे स्टॉप करते हैं और अब आते हैं कि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है मर्ज वाला, ये न्यूज में क्यों है। तो मर्ज सॉफ्टवेयर का अपग्रेड इन लोगों ने किया है विद द एम दैट दिस विल स्लैश एनर्जी कंजम्पशन टू द वे ट्रांजेक्शन आर वैलिडेटेड ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन। ठीक है, तो अभी जब भी आप किसी ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक है, कोई भी नया नोड ऐड करते हो, ठीक है, तो पहले पूरा नेटवर्क के अंदर जो सारे कंप्यूटर्स है एक तरीके से वैलिडेशन होता है और फिर वो नोड ऐड होता है। तो अभी ये जो सिस्टम था जिसके अंदर वो सभी लोगों से जाके परमिशन लेता था और फिर उस चीज को ऐड करता था, ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग था। ठीक है, कि सब लोग अपना अपना कंप्यूटर चला रहे हैं और फिर उससे वैलिडेट हो रहा है और फिर एड ऑन हो रहा है उस ब्लॉकचेन में, तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग था। लेकिन अब ये जो मर्ज का इस्तेमाल किया है इससे ये एनर्जी कंजम्पशन जो है ये लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये लो कैसे करेगा, बिकॉज दिस इज शिफ्टिंग द कंसेंसस मैकेनिज्म फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक। ठीक है, यानी अभी जो ट्रेडिशनली हम प्रूफ ऑफ वर्क पढ़ रहे थे कि लोगों ने माइन किया, माइन करके फिर आपस में एक कंसेंसस से नोड्स के अक्रॉस उस चीज को वैलिडेट किया और फिर ब्लॉकचेन में ऐड किया, ये सिस्टम बदल के प्रूफ ऑफ स्टेक में चला जा रहा है। तो ये ब्लॉकचेन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट जो अपने को पता होना चाहिए। तो प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ लोग हैं जो माइनिंग कर रहे हैं और माइनिंग के रिवॉर्ड क्या मिलता है इनको, माइनिंग का रिवॉर्ड होता है कि वो क्रिप्टो करेंसी इनको मिल गई। ठीक है, अब ये माइनिंग कैसे करते हैं, ये कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं या बहुत ही हाई लेवल प्रोसेसिंग पावर वाले CPUs का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके थ्रू कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और जिसका रिवॉर्ड क्रिप्टो करेंसी मिलता है। अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या होती है कि ये क्रिप्टो करेंसी मिलेगी किसको, जिसने माइन किया है, जिसने एफर्ट डाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये हो जाता था कि बहुत सारे नेटवर्क्स बन गए हैं। ठीक है, नेटवर्क्स ऑफ पीपल हु आर डूइंग क्रिप्टो माइनिंग। तो क्रिप्टो माइनिंग में क्या है, आपने कहीं सुना होगा क्रिप्टो के फार्म्स बना रखे हैं। तो कोल्ड कंट्रीज जो है जहां पे थोड़ा मौसम ठंडा है वहां पे ये लोग क्या कॉन्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम के अंदर बहुत सारे CPUs लगा दिए और वो CPUs सुबह से शाम वो लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और क्रिप्टो जो करेंसी है उसको माइन करते हैं। ठीक है, तो अगर ये लोग इसी तरीके से बड़े ज्यादा बेहतर प्रोसेसिंग पावर वाले कंप्यूटर लाते रहे तो ऑटोमेटिकली ये जो करेंसी है क्रिप्टो करेंसी ये
इसका लार्ज पार्ट जो है वो बहुत लिमिटेड लोगों के पास चला जाएगा जिन्होंने ये क्रिप्टो के फार्म्स बना रखे हैं। और इससे क्या होगा, अगर ये 51% का प्रोसेसिंग पावर नेटवर्क से ज्यादा प्रोसेसिंग पावर ले आते हैं तो दे कैन ऐड मलिशियस ब्लॉक्स। मलिशियस ब्लॉक मतलब कि फर्जी पेमेंट जो है, फर्जी ब्लॉकचेन जो है, या फर्जी बिटकॉइन जो है ऐड कर सकते हैं ब्लॉकचेन में अपने जरूरत के हिसाब से, जो कि पूरा का पूरा सिस्टम को नष्ट कर सकता है। सो इसलिए एक तो इस सिस्टम को सिक्योर बनाना है, दूसरा इसमें जो एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है लार्ज स्केल पे उसको खत्म करना है। तो अब हम जा रहे हैं प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे। अब जैसे हमने देखा प्रूफ ऑफ वर्क में क्या कॉन्सेप्ट हो रहा था कि बहुत सारे लोग या एक इंडिविजुअल बहुत ही हाई प्रोसेसिंग पावर का कंप्यूटर लेके आ रहा है और प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्रिप्टो करेंसी मिलेगी और वो नेटवर्क में ऐड करेगा। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में हम क्या बोलते हैं, अब किसी इंडिविजुअल को माइनिंग करने की जरूरत नहीं है, एक एल्गोरिथम के थ्रू हम एक इंडिविजुअल को ये जॉब अलोकेट कर देंगे कि वो एक क्रिप्टो करेंसी को मिंट करे, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, माइन कर रहे हैं, यहां पे हम मिंट कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे हम सुबह से शाम तक एफर्ट लगा रहे हैं प्रूफ ऑफ वर्क में। मिंट में सिंपली कंस्ट्रक्शन करना है आपको, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी जो कंजम्पशन है प्रूफ ऑफ स्टेक में कम हो गया और प्रूफ ऑफ वर्क के मुकाबले मतलब प्रूफ ऑफ वर्क में बहुत ज्यादा था एनर्जी कंजम्पशन, यहाँ पे कम हो गया क्योंकि यहाँ पे एक इंडिविजुअल को आना है और सिंपली मिंट करना है एक क्रिप्टो करेंसी को। अब ये एलोकेट कैसे होगा, ये मतलब डिसाइड कैसे होगा कि कौन उस करेंसी को मिंट करेगा, तो पहले किसी भी ऐसा पर्सन जो चाहता है कि वो क्रिप्टो करेंसी मिंट करे तो उसको उस एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एक किसी सिक्योरिटी वॉल्ट में रखना पड़ेगा, ठीक है, और जितना ज्यादा पैसा रखेगा उतना ज्यादा उसका अपॉर्चुनिटी होगा उसके पास कि वो उसको चांस मिले क्रिप्टो करेंसी मिंट करने का, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आता है, जैसे हमने देखा प्रूफ ऑफ वर्क में अगर आपने 51% जो प्रोसेसिंग पावर है पूरे नेटवर्क की उससे ज्यादा अगर आपके पास है तो आप उसमें कोई भी फर्जी पेमेंट ऐड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कोई भी फर्जी ट्रांजैक्शन ऐड करनी है तो आपके पास 51% ऑफ क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए, ठीक है, कि पूरा जो क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क है उसका 51% वैल्यू आपके पास होगा, जो कि इकट्ठा कर पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सबके पास अपना अपना लार्ज स्केल में पैसा है तो ये कर पाना बहुत मुश्किल है। सो इस तरीके से हम दो चीजें सिक्योर कर रहे हैं, एक तो एनर्जी कंजम्पशन कम कर रहे हैं और दूसरा कोई भी फर्जी ट्रांजैक्शन है उसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो एक टर्म आपने सुना होगा क्रिप्टो व्हेल्स, किसी को पता है क्रिप्टो व्हेल्स क्या होता है? ठीक है, तो क्रिप्टो व्हेल्स ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ह्यूज अमाउंट के अंदर क्रिप्टो करेंसी का स्टॉक है। तो अभी बिटकॉइन में यही हो रहा है कि जैसे आप बिटकॉइन में देखोगे तो उसका नाम में ही है डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में क्या हो रहा है, बहुत बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं वो आपस में साथ आ रहे हैं और इस पूरे नेटवर्क पे एक कार्टेलाइजेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और फिर अपने हिसाब से वो पूरे नेटवर्क को चला सकते हैं। तो ये खतरा है कि बिटकॉइन में माइन कर करके ये लोग एक मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे या एक कार्टेल क्रिएट कर लेंगे और फिर अपने हिसाब से उसको चलाएंगे। तो ऐसे ही लोग जिनके पास बहुत बड़ा स्टेक है क्रिप्टो करेंसी का, इनको क्रिप्टो व्हेल्स बोलते हैं। जैसे अगर डोज कॉइन के रिस्पेक्ट में बात करें तो इलॉन मस्क एक क्रिप्टो वेल हो सकता है उसमें, ठीक है, क्योंकि उसके पास बहुत हाई लेवल शेयर है डॉज कॉइन के अंदर, ठीक है। सो ये थे एडवांटेज प्रूफ ऑफ स्टेक में जाने के फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क। अभी तक तो जो पढ़ा उसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, बिकॉज इसके बाद तो बहुत बेसिक सा पार्ट ही है। सबको समझ में आया ना, कोई हाँ या ना तो बोल दो एटलीस्ट। नहीं, कुड यू रिपीट द मिंटिंग पार्ट एग्जैक्टली? व्हाट डू यू मीन बाय मिंटिंग? मतलब माइन का पता चलेगा कि माइन का माइन इज समथिंग लाइक यू सॉल्व अ प्रॉब्लम देन यू गेट अ क्रिप्टो. व्हाट डू यू मीन बाय मिंटिंग? ठीक है, तो मिंटिंग जैसे एक तो हो गया कि हम लोग खुदाई कर रहे हैं और एक मिनरल रिसोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है, एक तो रिसोर्स बनाने का ये तरीका है। एक रिसोर्स बनाने का ये तरीका है कि हम आरबीआई में जाते हैं और नोट प्रिंट करते हैं। तो बताओ एफर्ट किस में कम लगेगा, वो खुदाई करने में या
मिंट करने में मिंटिंग उस में एफर्ट कम लगेगा, बट इन इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो, लेट्स से यू आर हाँ सपोज टू हाँ सॉल्व अ प्रोपर्टिकल प्रॉब्लम बता रहा देन हूँ यू गेट अ क्रिप्टो. बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ एक सेकेंड। तो मिंट के अंदर क्या हो रहा है कि हम एक किसी पर्सन को अलोकेट कर रहे हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मिंट करो ये नई क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, जैसे जो क्रिप्टो पहले अभी जब प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर जो माइन हो रहा था उसमें आपके पास अगर एक सर्टेन लेवल का प्रोसेसिंग पावर है तो आप ऑटोमेटिकली मिंट कर सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है, आप अपने लेवल पे मिंट कर सकते हो। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर क्या हो रहा है कि एक एल्गोरिथम के थ्रू आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा जमा करना है और फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप एक क्रिप्टो करेंसी को मिंट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये पावर दी जा रही है कि आप मिंट कर लो, या मैं एक आपको डाई दे रहा हूं कि आप ये क्रिप्टो करेंसी आप मिंट कर सकते हो, बना सकते हो, कहने का मतलब। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, वहां पे एफर्ट डालना पड़ रहा बेस्ड ऑन कि कितना प्रोसेसिंग पावर है, यहाँ पे आप कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हो, यहाँ पे आप बस एक स्टेक ले रहे हो। ठीक है, स्टेक लेने का मतलब कि आप कुछ पैसा रिजर्व में रख रहे हो एज ए सिक्योरिटी फॉर गेटिंग द चांस टू मेंट अ क्रिप्टो करेंसी। क्लियर हो? सो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम बाइंग द क्रिप्टो, क्योंकि एनीवे यहाँ पे वहां पे भी आपको पैसा देना पड़ता है, राइट? अच्छा, प्रूफ ऑफ स्टेक हाउ इज हाँ, इट डिफरेंट फ्रॉम दैट? बाइंग द क्रिप्टो. हाँ, तो देखो प्रूफ ऑफ मैंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू रखा। ठीक है, सपोज एक बिटकॉइन 16 लाख का था, ठीक है 16 लाख का है। अब मैं स्टेक के अंदर मैं 10 हजार भी रख सकता हूँ, मैं 20 हजार भी रख सकता हूँ, मैं 1 लाख भी रख सकता हूँ, डिपेंड करेगा कितने लोगों ने स्टेक रखा है। और जितने भी लोगों ने स्टेक रखा है उसमें से एक एल्गोरिदम के थ्रू हम लोग एक इंडिविजुअल को चुनेंगे। जनरली जितना बड़ा स्टेक होगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, ज्यादा चांसेस होंगे, नॉट दैट के सबसे हाईएस्ट बिडर को ही मिल जाएगा, वो नहीं होने वाला। सबसे ज्यादा चांस उसके होंगे जिसके सबसे ज्यादा स्टेक हैं। ठीक है, तो माइंड यू प्रोबेबिलिटी है, दिस इज नॉट लाइक के हाँ आपको चांस ही मिल गया कि आप ही मिंट करो। ठीक है, सो एक एल्गोरिदम के थ्रू दिस विल बी एलोकेटेड। सो सपोज मैंने 10,000 रुपए लगाए थे तो मैं एक मिंट करने का चांस मिला तो 16 लाख मिल रहा है ना मेरे को। क्लियर हुआ अब यस के यस ट्रांजैक्ट ट्रांजैक्शन गॉट कर रहा हूँ तो 16 लाख देके एक बिटकॉइन खरीदना पड़ेगा, बट यहाँ पे 10,000 में चांस है कि शायद बिटकॉइन माइन करने का ऑप्शन इट. मिल जाए। ओके ओके गॉट इट. ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं नहीं तो उसमें सारा टाइम निकल जाएगा। सो एडवांटेज क्या है? पहला, लेस इम्पैक्ट होगा ऑन लोकल कम्युनिटीज। तो देखो इंडिया में तो वैसे ही क्रिप्टो फार्म्स नहीं थे बिकॉज इंडिया में टेम्परेचर हाई है और ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं ये हाई टेम्परेचर पे जल्दी खराब हो जाते हैं। सो ये सारा जो काम हो रहा है ये इंडिया से बाहर ही हो रहा है। ठीक है, हम लोग इंडिया में इस चीजों के बारे में ज्यादा जानते ही नहीं है, तो पहला तो ये फैक्ट है। तो दूसरा चीज जो है, लोकल कम्युनिटीज पे असर कैसे कम होगा? तो जहां पे भी यूएस वगैरह में ये काम हो रहे थे तो वहां पे लोगों ने बहुत बड़े बड़े क्रिप्टो फार्म्स बना लिए हैं जहां पे लाखों में या हजारों के अंदर प्रोसेसर पड़े और दिन रात इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से मास इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट हो जाते हैं कि पूरे एरिया की बिजली चली गई है, फायर एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, ग्रिड ओवरबर्डन हो जा रहा है, जिससे लोकल कम्युनिटीज जो है वो सफर कर रही हैं। फिर एनवायरमेंटल कॉन्शियस मूव है बिकॉज प्रूफ ऑफ स्टेक में अगर हम शिफ्ट करते हैं तो वे विल रिड्यूस द एनर्जी कंजम्पशन बाय 99%। तो समझ रहे हो, पहले 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल हो रही थी तो अब केवल 1 यूनिट बिजली में ये काम हो जाएगा। तो ओवरऑल इन्वायरमेंट के परस्पेक्टिव से बहुत अच्छा चीज है। फिर है बेटर सिक्योरिटी, क्योंकि मैंने बताया कि 51% अगर आपके पास प्रोसेसिंग पावर आप इकट्ठी कर लेते हो आप पूरा नेटवर्क कंट्रोल कर सकते हो अभी प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर, लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में आपको 51% ऑफ पूरा वैल्यू चेन, जो कि इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट रिपल इफेक्ट है, तो अगर हम इसको मूव कर देते हैं इथेरियम को टूवर्ड्स, जो कि कर ही दिया है, लेकिन इसको करने के बाद बाकी इंडस्ट्री जो क्रिप्टो करेंसी की है वो भी कोशिश करेगी कि वो पॉजिटिव क्लाइमेट एक्शन की तरफ जाए, तो ओवरऑल जो पूरा सिस्टम है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियली सतोशी नाकामोतो जिन्होंने बिटकॉइन का आइडिया रखा था वो नहीं चाहते थे कि हम लोग प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जाएं बिकॉज प्रूफ ऑफ स्टेक कहीं ना कहीं जो रिच है उसको फेवर करता है,
लेकिन करंटली जो प्रूफ ऑफ वर्क है वो भी लार्ज स्केल पे कार्टलाइजेशन कर रहा है, ठीक है, क्रिप्टो व्हेल्स पैदा हो गए हैं उसकी वजह से भी, तो वो भी उससे बहुत ज्यादा फेयर है प्रूफ ऑफ स्टेक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो कंक्लूजन यही है कि क्रिप्टो हैज बीन वेटिंग फॉर रिकैलिब्रेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी एंड दिस वुड टर्न अराउंड द नैरेटिव ऑफ द इंडस्ट्री टुवर्ड्स क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। सो यही था इसके बारे में, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो सुशांत जरा आप कंटिन्यू कीजिए। So, non-communicable diseases, NCDs. So, recently, WHO का report एक publish हुआ था, invisible numbers. तो ये एक टाइटल हो सकता है क्वेश्चन में, एंड आगे का मतलब नहीं, मतलब they will just say invisible numbers. तो हमें पता होना चाहिए कि it is about NCDs. And the complete title is invisible numbers, the true scale of non-communicable diseases. Stated that non-communicable diseases led to 66% of deaths in India in 2019. तो अगर डेटा देखे रहे तो और एक और डेटा देखते हैं कि एवरी ईयर देर आर अराउंड 1.7 करोड़ पीपल अंडर द एज ऑफ 70 विच डाई ऑफ एनसीडीज एंड 86% ऑफ देम लिव इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज. ओके इन ये तो देख ही लिया कि 66% ऑफ डेथ्स इन इंडिया आर हैपनिंग ड्यू टू एनसीडीज. एंड अगेन वन मोर डेटा इज देयर दैट 22% ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ बिटवीन द एज ऑफ 30 to 70 आर मेनली ड्यू टू एनसीडीज. ओके सो दिस वॉज द डेटा. सो लेट्स सी वॉट डू वी नो अबाउट एनसीडीज इन जनरल. सो दीज आर एक्चुअली क्रॉनिक डिसीजेस एंड दे टेन टू बी ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंटल एंड बिहेवियरल फैक्टर्स. Like the name suggests, it cannot be transmitted from person to person, but generally ये जो NCDs होते हैं वो productive age में होते हैं. So एक उसके examples we can see कि cancer is the major major part of that. Then we have diabetes, chronic respiratory diseases, cardiovascular diseases, and these are four main types. There are other types also like obesity, metabolic syndrome, etc. सो बहुत ज्यादा लाइट में क्यों आया ये, बिकॉज ऑफ द COVID-19. सो एट दैट टाइम इट गॉट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीडीज एंड इन्फेक्शियस डिसीजेस वाई वेल हाईलाइटेड. अगेन थ्रू आउट द कोविड्स इन आर अर्ली मंथ्स दे रियलाइज कि 70% ऑफ द कंट्रीज रिपोर्टेड दैट दे डो नॉट हैव एनसीडी सर्विसेज, एसेंशियल एनसीडी सर्विसेज. ओके सो वी कैन सी द सिग्निफिकेंस ऑफ एनसीडीज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे इंडिया में क्या मतलब मेजर्स लिए इसके बारे में. So we have the National Program for Prevention of and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke. मतलब ये जो फुल फॉर्म है, मतलब जो शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज NP CDCS. CDCS फॉर कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस एंड स्ट्रोक. ओके नाउ अनदर मेजर इज दैट वी हैव थ्रू प्राइमरी हेल्थ वी आर प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर स्कीम. देर इज ऑल्सो ये इम्पोर्टेंट, मतलब ये जनरली नहीं पता होता कि दैट FSSAI जो है उसने सारे जो जंक फूड के जो एडवर्टाइजमेंट्स है या फिर सेल्स है वो स्कूल कैंपसेस के 15 मीटर्स रेंज में बैन किए है. ओके उनका और एक कैंपेन है ईट राइट इंडिया मूवमेंट. तो बेसिकली दैट इज ट्राइंग टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ एंड दे आर गिविंग दिस मैसेज टू हाउ टू कॉम्बैट निगेटिव न्यूट्रिशनल ट्रेंड्स. अगेन दे ऑल्सो हैव अनदर मास मीडिया कैंपेन दैट इज हार्ट अटैक रिवाइंड एंड दैट इज थ्रू एलिमिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट इन द फूड सप्लाई. देन इंडिया ऑल्सो हैज दिस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दैट इज टारगेटिंग टू रिड्यूस द इंडोर एयर पोल्यूशन इन रिस्पॉन्स टू द WHO's ग्लोबल एक्शन प्लान. इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप द स्पेसिफिक नेशनल टारगेट्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ग्लोबल प्रीमेच्योर डेथ्स फ्रॉम एनसीडीज बाई 25% बाई 2025. ओके सो यहाँ पे आ सकता है कि मतलब इंडिया द स्टेटमेंट भी दिया जा सकता है ये फर्स्ट कंट्री बोल के. ओके ऑलराइट वी ऑल्सो हैव योगा. सो योगा डे है हमारे पास. ऑलराइट सो वॉट आर द बेनिफिट्स दैट वी कैन सी बाय कंट्रोलिंग द एनसीडीज. So we have economic benefits like it will boost the GDP, there will be more workforce participation,
and it will also reduce the healthcare infra expenditure. But in social life, we also have increased life expectancy and increased earning capacity. Okay, let's see what are the global measures to prevent NCDs. So NCDs are recognized as the major global challenge in the United Nations 2030 agenda for sustainable development. There is a global group of heads of state and governments on NCDs. So it is led by Norway and Ghana. All right. So this group is launched in April 2022, and their goal is to save around 50 million people by 2030, which are dying from NCDs. All right. So WHO has also launched this portal called as NCD data portal. So iske through jo 194 countries mein jo bhi NCDs ke bare mein data jama ho raha hai, that is accessible to every other country. Okay, now let's see the way forward point. So in way forward, we have to create a strong healthcare delivery mechanism. Again, we have to have international cooperation and advocacy. कि इसके कारण जो भी दूसरे देशों में जो रिसर्च हो रहा है एनसीडीज के बारे में, सो वी शुड बी एबल टू हैव एक्सेस टू दैट. थर्डली, वी हैव टू हैव हेल्थ इन ऑल पॉलिसी अप्रोच. सो हर एक पॉलिसी जो हम डेवलप कर रहे हैं उसमें हेल्थ के ऊपर कितना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं वो देखना पड़ेगा, एंड स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू एनसीडी एपिडेमिक. ऑलराइट, देन वी ऑल्सो हैव प्रोटेक्शन फॉर द वल्नरेबल, दैट इज आइडेंटिफाइंग द टारगेट मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स which can get affected by NCDs, and we can promote the high quality R&D. Uske liye we have to plan and implement and evaluate various healthcare programs. Lastly, we need to understand major modifiable risk factors such as tobacco use, alcohol, unhealthy diets, physical inactivity. There is also stress, so mental health point will also be there. All right. ओके, सो दिस इज इट. अगर चैलेंजेस देखने की व्हाई ये रह गया पॉइंट कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल एनसीडीज, सो बेसिकली हमारे पास लैक ऑफ प्रिवेंटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, देन देर इज अनसस्टेनेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, देर इज इंक्रीजिंग इन एजिंग पॉपुलेशन, फेलियर टू इम्प्लीमेंट पॉवर्टी एंड रिडक्शन प्रोजेक्ट्स, देर इज माइग्रेशन, रैपिड एंड अनप्लान्ड अर्बन प्लानिंग. We face restrictions on access to medicines, primary healthcare, access to technology. So इसके कारण NCD का handling बहुत difficult जा रहा है. इसमें एक चीज थोड़ा graph एक बना सकते हैं, जैसे अगर हम chart करें इंडिया का post independence अब तक का period, तो उसको आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो. ये post independence की यहाँ पे time है, और हमारा जो disease burden है, शुरू में हम लोग सबसे ज्यादा कम्युनिकेबल डिजीज से सफर कर रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे हमारी हेल्थ फैसिलिटी इम्प्रूव हुई है, प्राइमरी हेल्थ कैपेसिटी, तो जो कम्युनिकेबल डिजीज थी वो तो कम हो गई है, ठीक है, लेकिन जो एनसीडीज थी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज थी, उनमें उतना ही उछाल देखने को मिला, तो एनसीडीज अब ऊपर आ गई है, ठीक है. तो ये आप कह सकते हो कि प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर में हम लोगों ने थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया, तो उसका एक बहुत इम्पैक्ट ये हुआ कि कम्युनिकेबल डिजीज नीचे हो गए, लेकिन उसी के साथ साथ हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, जिसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक डायबिटीज और कैंसर, ये सब चीजें हमें सामने आने लगी हैं, ठीक है, हार्ट अटैक. तो देख लेना इसको, ठीक है, ग्राफ जरूर बनाना अगर ऐसा कुछ सवाल आता. कूल है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्लोनिंग. आई थिंक विक्टर आपका था ये, राइट? हाँ सर, आई विल टेक इट. तो द टॉपिक इज क्लोनिंग. So why was it in news? It was in news because China has recently cloned a wild Arctic wolf for the first time in the world. Matlab, China has done it successfully, and this China is the first country to do such thing. So naam se hi pata chal raha hai ki Arctic wolf jo hai, that is native to high Arctic tundra of Canada's Queen Elizabeth Islands. So Canada ke paas ye island hai. तो वहाँ पर वी फाइंड दिस आर्कटिक वुल्फ एंड इट इज नेटिव टू दैट रीजन. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दिस क्लोनिंग वट एवर चाइना हैज डन सक्सेसफुली डन, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ माइलस्टोन अचीवमेंट इन कंजर्विंग रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज थ्रू क्लोनिंग टेक्नोलॉजी. तो ऑल दी स्पीसीज विच आर एंडेंजर्ड और रेयर, मतलब
are in or on the verge of extinction, they can be saved through this cloning technology, if China is willing to share the technology. So let's get into what exactly the cloning thing is. So cloning is basically producing identical copies of a person or any living thing. जैसे हम वी जनरली सी कि देर आर ट्विन्स हु लुक अलाइक, जैसे हम मूवीज में भी देखते हैं, जैसे ये जुड़वा मूवी है, वी सी दैट राइट, दोस सच पीपल आर कॉल्ड नेचुरल क्लोन्स. यू कैन ऑल्सो प्रोड्यूस सच क्लोन्स वाया आर्टिफिशियल टेक्निक्स विद ऑल दी टेक्नोलॉजी ऑफ बायोटेक. तो हाउ डू वी मेक दिस? बेसिकली जो जीन्स हैं इन एनी लिविंग बींग, जीन्स, सेल्स, टिश्यूज एंड किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल से वी कैन क्लोन दैट पर्सन और एनिमल. तो जो ओरिजिनल पर्सन है उसको हम ओरिजिनल ही बोलेंगे, जो कॉपीड मटेरियल है या फिर आइडेंटिकल कॉपी है उसको हम बोलेंगे क्लोन. तो जनरली दे माइट लुक आइडेंटिकल एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार जो जब भी क्लोनिंग हो वो आइडेंटिकल ही दिखे. जैसे हम कुछ ट्विंस में देखते हैं कि दे आर एक्चुअली ट्विंस बट दे डोंट लुक अलाइक, बट देर आर ऑल्सो ट्विंस हु मतलब दे लुक अलाइक. तो जो सेम तरह दिखते हैं उनको हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक ट्विंस. जो ट्विंस हैं बट एक जैसे नहीं दिखते हैं उनको हम बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस. दैट इज इट. जो नेचुरल क्लोन्स या आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली अ फर्टिलाइज्ड एग गेट सेपरेटेड इनटू टू पार्ट्स. तो दैट इज एक ही जीन मटेरियल है बट दैट इज बिकमिंग हाफ. तो वी हैव टू डिफरेंट पीपल, मतलब सॉरी टू आइडेंटिकल पीपल. तो क्लोनिंग जो है वी कैन डू इट इन थ्री डिफरेंट वेज अपार्ट फ्रॉम नेचुरल क्लोनिंग. एक है जीएनए या डीन क्लोनिंग, सॉरी जीन या डीएनए क्लोनिंग. तो दिस इज बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि यू टेक अ पार्ट और फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए या जीन और उसको यू आर पुटिंग इट इन अ बैक्टीरियल प्लास्मिड, जहां पर उसको एनफ एनवायरनमेंट मिलेगा वेयर इट कैन प्रोलिफरेट इटसेल्फ एंड रिप्लिकेट इटसेल्फ. तो दैट इज वन वे ऑफ क्लोनिंग. दूसरा मेथड है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग. यहाँ पर जो भी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं जैसे स्पर्म्स या एग्स, तो उसको हम जो जनरली एग सेल है जिसको हम बोलते हैं ऊसाइट, उसमें यू पुट अ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम अ सोमैटिक सेल. सोमैटिक सेल इज बेसिकली अ बॉडी सेल. वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज सोमैटिक सेल एंड दूसरा वाला है जर्म सेल. जो ये एग सेल है दैट इज कॉल्ड जर्म सेल एंड जो बॉडीली हमारा स्किन है या फिर बोन्स द फ्लैश मजल्स दैट ऑल आर फॉर्म ड्यू टू सोमैटिक सेल्स. तो सोमैटिक सेल से हम सोमैटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसको हम निकाल के एग सेल में डालेंगे एंड इसको हम स्टिमुलेट करेंगे. वी विल प्रोवाइड इट एनफ एनवायरनमेंट, सफिशेंट एनवायरनमेंट सो दैट इट प्रोलिफरेट्स एंड दिस विल फॉर्म इन टू अ ऑर्गेनिज्म. तो दिस प्रोसेस जो भी है इसको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, बिकॉज सोमैटिक सेल के अंदर जो भी न्यूक्लियस है उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसी और सेल में. तो इस ये जो सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर है इससे हमने डॉली शीप जो है वी हैव ऑल्सो क्रिएटेड दैट शीप थ्रू दिस टेक्नोलॉजी. द थर्ड मेथड इज थेरेप्यूटिक क्लोनिंग. This is मतलब almost similar to reproductive cloning, except that production of embryo जो है वहाँ तक ही similar है. मतलब जो embryo एक बार form हो गया उसको हम laboratory में या incubator में डालेंगे so that it grows with sufficient minerals, vitamins और जो भी उसके required essential nutrients है उसके साथ. तो हम ये देखेंगे अभी applications of cloning. तो क्लोनिंग जो है वी कैन यूज दिस टू स्टडी जीन म्यूटेशंस. जीन म्यूटेशन इज बेसिकली अ वेरी सडन चेंज जिसका कोई भी रीजन नहीं होता है, बट समटाइम्स इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशन, जैसे यूवीए, यूवीबी या कुछ और हजार्डस रेडिएशन है.
तो ऐसे अगर म्यूटेशंस हुए हैं क्लोन्ड एनिमल्स या क्लोन्ड ऑर्गेनिजम्स में, उसको स्टडी करने के लिए और उन डिजीजेस को हम स्टडी करने के लिए वी कैन यूज दिस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी, एंड वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस मोर लाइव स्टॉक, जिसके वजह से हमें लाइव स्टॉक की प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा मिलेगी, एंड जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज है वी कैन ऑल्सो क्रिएट सम एक्सटिंक्ट स्पीसीज इफ वी हैव सम रिलेटेड जी सॉरी जीन जेनेटिक मटेरियल, एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो प्रोड्यूस स्टेम सेल्स थ्रू दैट क्लोन्ड ऑर्गेनिज्म या एम्ब्रियो, एक्चुअली नॉट ऑर्गेनिज्म. मतलब वी नो दैट कि स्टेम सेल्स जो हैं इट इट कैन बी रेप्लिकेटेड, सॉरी, बिकॉज उनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है, एंड वेर एवर यू यूज स्टेम सेल्स दैट विल गो एंड रिपेयर दैट स्पेसिफिक डैमेज ऑर्गन कुछ भी हो. सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्लोनिंग. तो नेक्स्ट हम चलते हैं, डज एनीबडी वॉन्ट टू एड समथिंग हियर इन क्लोनिंग? तो एक जैसे मैं आपने चीज बोला कि आइडेंटिकल ट्विन्स है, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स कहते हैं, तो एक सवाल उठ सकता है कि यार ऐसा फिर हम सब लोगों के क्यों नहीं देखते कि सब लोग ट्विन लेके क्यों नहीं घूम रहे, या ऐसा क्यों नहीं होता कि बहुत रेयर केसेस में हमें ट्विन देखने को मिलता है। सो इसके पीछे बहुत बेसिक सी साइंस है कि हमारा मतलब जो एग होता है, ठीक है, जो फीमेल का जो जर्म सेल है और जो मेल का जर्म सेल है, ठीक है, स्पर्म, तो जब ये आपस में इंटरैक्ट करता है तो उसके बाद मतलब जैसे ही स्पर्म इसमें एंटर कर जाता है फर्स्ट टाइम, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है कि अब ये कंबाइन हो गए, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो नया एंटिटी बनता है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, अब ये जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो में डेवलप होगा। ठीक है, अब इसी पॉइंट के ऊपर अगर कोई और स्पर्म भी आके इसमें एंटर कर जाता है, ठीक है, तब एक चांस बनता है कि हमें आइडेंटिकल ट्विन्स देखने को मिले, यानी एक ही जाइगोट से दो स्पर्म इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो फिर विल सी के आइडेंटिकल ट्विन्स बन जाएंगे। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है, बिकॉज जब जाइगोट बन जाता है तो इसके ऊपर एक ऐसी कवरिंग हो जाती है जहां पे इसको कोई और स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। ठीक है, बट कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि वो जाइगोट शायद वीक रहा हो या स्पर्म ज्यादा स्ट्रांग रहा हो, तो उस केस में ये फिर भी एंटर कर सकता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई जो आइडेंटिकल ट्विन्स है वो बहुत रेयर फिनोमेना होता है, बिकॉज नेचुरली जाइगोट एक बार बनने के बाद और कोई स्पर्म उसमें एंटर नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा ये समझने का था कॉन्सेप्ट। ठीक है मैम, आगे कंटिन्यू कीजिए। ओके, अभी हम जाते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स में. तो द फर्स्ट टॉपिक इज एक्सआर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स. तो व्हाई वाज दिस पर्टिकुलर थिंग इन न्यूज़? बिकॉज मेटी में एक सेपरेट सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं स्टार्टअप हब. दिस स्टार्टअप हब एंड मेटा हैव कोलैबोरेटेड टुगेदर टू एक्सेलरेट द एक्सआर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स इन इंडिया. तो एक्सआर क्या है? एक्सआर इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्सटेंडेड रियलिटी. तो दिस इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट, और जहाँ पर ह्यूमन एंड मशीन का इंटरेक्शन होता है, विच इज बेसिकली थ्रू अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. पहले हम देख लेते हैं कि वॉट एग्जैक्टली इज ए आर, मिक्सड रियालिटी एंड वर्चुअल रियालिटी. तो ऑगमेंटेड रियालिटी इज समथिंग, मतलब एक्चुअल दुनिया में है नहीं, बट वेन यू यूज अ सम स्पेसिफिक डिजिटल डिवाइस, यू एक्चुअली सी थ्रू द डिवाइस कि वहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट है. इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल मैं बोलूँगी, इफ़ यू आर अवेयर कि कुछ साल पहले पोकेमॉन गो का एक गेम आया था, दैट गेम इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑगमेंटेड रियालिटी. डज एनीबडी वॉन्ट टू एड सम अदर एग्जाम्पल? बिकॉज आई नो ओनली पोकेमॉन गो. होलोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट का एक होलोग्राम। ओके, ठीक है सर. ओके, द नेक्स्ट रियलिटी इज मिक्स्ड रियलिटी. यहाँ पर जब वी यूज सम डिजिटल टेक या गैजेट, बेसिकली वी आर एक्चुअली इंटरैक्टिंग विद अ वर्चुअल, मतलब आर्टिफिशियल कुछ एलिमेंट से हम इंटरैक्ट कर रहे हैं. जैसे हम कुछ मूवीज में देखते हैं कि द पर्सन ओपन्स आउट ऑफ नो वेयर अ टोटल डिजिटल स्क्रीन, मतलब एक टच पैड, जैसे ही ओपन एंड ही कीप्स क्लिकिंग थिंग्स ऑन दैट. तो
दैट वुड बी एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड रियालिटी. तो तीसरा वाला है वर्चुअल रियालिटी. यहाँ पर भी जैसे सैमसंग या कुछ और कंपनीज के हेड गेयर्स आते हैं, वी यूज दैट एंड वी ट्राई टू प्ले गेम्स या एज इफ यू आर वॉकिंग इन सम अदर न्यू प्लेस, या ऐसा जो एक्सपीरियंस है, दिस इज बेसिकली वर्चुअल रियलिटी. मतलब आप यू आर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम दी रियल वर्ल्ड एंड यू आर बीइंग टेकन इनटू अ आर्टिफिशियल वर्ल्ड, मतलब वर्चुअल वर्ल्ड. इफ यू रिमेम्बर, आई थिंक इसका एक थोड़ा रिलेटेड एग्जाम्पल होगा अवतार मूवी में, जो व्हेन दैट पर्सन सिट्स इनटू दैट होल पॉड टाइप ऑफ थिंग, ही गेट्स इनटू अ वर्चुअल वर्ल्ड. आई थिंक दैट वुड बी अ गुड एग्जाम्पल. एनी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ वर्चुअल रियलिटी? मतलब आई नो देर आर गेम्स. गेम्स, मैट्रिक्स, मेटावर्स, राइट राइट, मैट्रिक्स, ठीक है. तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी. तो यहाँ पर डिजिटल और रियल इंफॉर्मेशन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होगा. सो ये जो मेटी का स्टार्टअप हब है, दिस इज बेसिकली अ नेशनल प्लेटफॉर्म विच इज फोकसिंग ऑन प्रमोटिंग मोर स्टार्टअप्स विच आर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड ऑल्सो क्रिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज. तो हम कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी के. सिंस वी नो दैट एक्सटेंडेड रियलिटी में ऑगमेंटेड रियलिटी भी होगा, मिक्सड होगा और वर्चुअल रियलिटी भी होगा, तो इसको वी कैन एक्चुअली यूज दिस टू ट्रेन सर्जन्स जो फाइनल ईयर या प्रैक्टिसिंग मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे, उनको टू क्रिएट अ आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट वेयर दे कैन एक्चुअली प्रैक्टिस थिंग्स, प्रैक्टिकल जो करते हैं, टू दैट वी कैन यूज दिस एक्सटेंडेड रियलिटी थिंग. एंड आजकल हम देख रहे हैं कुछ एप्स में, क्लोथिंग ऐप हो या कुछ और भी हो, यू आर एक्चुअली गिवन द प्रिविलेज टू सी हाउ दैट प्रोडक्ट लुक्स ऑन यू. सो दैट कुड बी अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंडेड रियालिटी. नेक्स्ट है वर्चुअल एनेबल्स वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स इंक्लूडिंग टू लोकेशंस दैट वन वन कांट रीच इन पर्सन. देयर इज अ ब्रिटानिका का एक ऐसा एक पोर्टल है जहाँ पर यू कैन एक्चुअली गो इन टू प्लेसेस लाइक गीजा पिरामिड. वहाँ पर मतलब जस्ट थ्रू योर मोबाइल गैजेट या इवन लैपटॉप. तो दैट वुड ऑल्सो बी एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ एक्स आर. बाकी चीज़ें लाइक मार्केटिंग, रियल एस्टेट, एंटरटेनमेंट, वहाँ पर भी एक्स आर यूज हो सकता है. एनीथिंग? हाँ, कुछ चैलेंजेस भी हैं एक्स आर के, सॉरी एक्सटेंडेड रियलिटी के. जैसे दिस सिंस एक्स आर यूजेस बोथ रियल एंड वर्चुअल रियलिटीज, इट कलेक्ट्स अ लॉट ऑफ डेटा, दैट टू पर्सनल डेटा. सो दिस कुड एक्चुअली लीड टू सम डेटा प्राइवेसी इश्यूज. इसके लिए कॉस्ट भी बहुत होगा एंड ऑल्सो लैक ऑफ फेमिलियरिटी विथ नेविगेटिंग द वर्चुअल वर्ल्ड, बिकॉज यू आर सडनली यू आर बींग टेकन इन टू अ वर्चुअल वर्ल्ड एंड यू डू नॉट नो वॉट एग्जैक्टली, मतलब वहाँ का सेटअप कैसा है, क्या है. तो इट वुड एक्चुअली बी अ बिट डिफिकल्ट टू गेट अकस्टम टू दैट वर्चुअल वर्ल्ड. एंड ऑल्सो जो कंटेंट है एंड जो एक्चुअल वर्ल्ड है उसके बीच में थोड़ा गैप होता है, तो दैट वुड ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम. क्वांटम नेटवर्क, तो रिसेंटली IIT मद्रास हैज जॉइन दिस, IBM का क्वांटम नेटवर्क है यहाँ पर. IIT मद्रास ने ज्वाइन किया है एंड IIT मद्रास इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट टू जॉइन दिस नेटवर्क. तो बेसिकली ये जो IBM का नेटवर्क है, दिस यूजेस एडवांस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज टू फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन इंडिया. तो दिस क्वांटम नेटवर्क इज नथिंग बट जैसे इंटरनेट का डेफिनेशन है अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, वेयर मतलब पीपल आर बीइंग कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क एंड ये सब जो भी लोग हैं उनका एक अलग नेटवर्क बनता है. तो ऐसे ही क्वांटम नेटवर्क में, दिस इज बेसिकली क्वांटम इंटरनेट है ये, जहाँ पर वी यूज क्वांटम टेक्नोलॉजी या क्वांटम प्रिंसिपल्स हैं उसको यूज करके वी क्रिएट अ नेटवर्क. एंड यहाँ पर थ्रू क्वांटम पार्टिकल्स जिसको फोटॉन्स बोलते हैं, फोटॉन्स इज दी लीस्ट अनडिविजिबल यूनिट ऑफ लाइट, ऐसे हम बोल सकते हैं. तो इन फोटॉन्स को यूज करके वी ट्रांसमिट डेटा. तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन दिस इज जो क्वांटम डिवाइसेस हैं,
उनके द्वारा मतलब उनमें ये फोटॉन्स होंगे, सॉरी मतलब फ्रॉम वन क्वांटम डिवाइस टू अनदर क्वांटम डिवाइस थ्रू फोटॉन्स मतलब लाइट डेटा, सॉरी हाँ डेटा इज एक्सचेंज्ड. एंड यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन, क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, वो सब दोस प्रिंसिपल्स आर यूज्ड. कूल है। तो ये था विद रिगार्ड्स टू क्वांटम नेटवर्क। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडिया फर्स्ट लिथियम सेल प्लांट, और बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि अभी ये तिरुपति में खुलेगा, और ये इंडिया का 60% जो रिक्वायरमेंट है प्रेजेंटली उसको फुलफिल कर देगा। अभी करंटली एट द मोमेंट अगर सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन वाला प्लांट बोले तो वो गुजरात के अंदर है। ठीक है, इतना ही था इसमें जानने लायक। आगे चलते हैं। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर कार टी सेल सेल थेरेपी। तो अभी ये थेरेपी जो है एक मेडिकल प्रोसेस है टू ट्रीट कैंसर पेशेंट, जो कि इंडिजीनियसली डेवलप करी आईआईटी बॉम्बे ने और टाटा मेमोरियल सेंटर। ठीक है, जो आई थिंक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अंदर है ये। तो इन लोगों ने मिलकर बनाया है, और इसको एक तरीके से पहले पेशेंट के ऊपर ट्राई करने का अभी रिसेंटली मौका मिला था। ठीक है, सो ये रिसर्च जो है इसको फंड किया है नेशनल बायोफार्मा मिशन, जो आता है अंडर बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च एंड असिस्टेंस काउंसिल। ठीक है, जो जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक है उसके अंदर ये एक काउंसिल है, और फिर ये काउंसिल इस मिशन को रन कर रही है, नेशनल बायोफार्मा मिशन। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं, हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी के डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, एक होता है बी सेल, एक होता है टी सेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टी सेल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। टी सेल एक टाइप का व्हाइट ब्लड सेल या इम्यून सेल है, जो कि पैथोजेंस के साथ फाइट करता है। तो यहाँ पे हम टी सेल क्या कर रहे हैं, टी सेल्स को हम एडिट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके अंदर एक ऐसा जीन डाल रहे हैं जिसके थ्रू वो जो बॉडी के अंदर वापस इंसर्ट किया जाता है ये टी सेल, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली कैंसर को फाइट करने लग जाता है। ठीक है, तो कोई बता सकता है कि व्हाट इज कैंसर, होता क्या है कैंसर? वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल ये ना. करेक्ट। जैसे हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी में सेल का ग्रोथ होता है। ठीक है, हमारे हाथ के अंदर कोई सेल है, ठीक है, तो वो ग्रो होता है, लेकिन उस ग्रो होने का एक लिमिट होता है कि वो कितना ग्रो होगा। 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 3 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन कैंसर एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें बॉडी सेल विल लूज दी एबिलिटी ऑफ दैट कंट्रोल, तो वो सेल जो है वो कॉन्टिन्यूसली प्रोलिफरेट होता रहता है और एक लंप बन जाता है। ठीक है, तो अगर वो लंप जो है वो एक जगह कन्फाइंड है, तो उसको हम बोलते हैं ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर, एक ही जगह कन्फाइंड है। लेकिन अगर वो फैलने लग जाता है तो वी से दिस इज मेलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर। अगर वो जो लंप है वो शरीर में और भी जगह फैल रहा है, तो वी से कि ये कैंसर की सिचुएशन है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम जो पेशेंट है जिसको कैंसर हो रखा है, उसके ब्लड में से टी सेल्स को बाहर निकालते हैं, उनको जेनेटिकली एडिट करते हैं ताकि उनमें ऐसा जीन डाला जाए कि वो वापस जाके कैंसर सेल को अटैक करे। ठीक है, कैंसर सेल का एंटीजन तैयार हो जाता है। जैसे एंटीजन हमने कई बार पढ़ रखा है, एंटीजन इज लाइक एन आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, तो हम उसमें वो आइडेंटिटी कार्ड पढ़ने का एक रिसेप्टर लगा देते हैं कि वो उस जैसे ही कैंसर सेल को मीट करेगा, उसका आइडेंटिटी कार्ड पढ़ते ही पहचान जाएगा कि ये कैंसर सेल है, और उसको अटैक करना शुरू कर देगा। सो दिस इज कार टी थेरेपी। इसमें डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब बेनिफिट्स की बात करूं तो देखो, कैंसर को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती है। एक सबसे कॉमनली यूज स्ट्रैटेजी है कीमोथेरेपी, वेयर अ पेशेंट इज एडमिनिस्टर्ड सेवरल ड्रग्स, जिसका रिस्पॉन्स में जो ट्यूमर जो सेल होता है या जो कैंसर सेल होते हैं, दे आर बीइंग किल्ड बाय द एक्शन ऑफ दोज मेडिसिन। ठीक है, ये कीमोथेरेपी होती है। जो कीमोथेरेपी है ये एक रिपीटेड प्रोसेस होता है। ठीक है, कि लोगों के ऊपर बार बार इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, और इसका रिस्पॉन्स हमने देखा ही है कि जो पेशेंट होता है काफी वीक हो जाता है, हेयर लॉस हो जाता है, तो बहुत सारे साइड इफेक्ट है। तो कार्टी थेरेपी जो है वो एक प्रोबेबल सोल्यूशन बन सकता है, जिसके अंदर
ज्यादा कोई बॉडी को नुकसान पहुंचाए बिना कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है. तो दिस वॉज अबाउट कार टी थेरेपी. नेक्स्ट चलते हैं कन्वर्जन थेरेपी. तो ये मेडिकल एथिक्स के परस्पेक्टिव से एक डेवलपमेंट है. ठीक है, मेडिकल एथिक्स में भी आप इंक्लूड कर सकते हो. तो पार्ट फोर जीएस फोर जो है उसमें भी आ जाएगा. तो कन्वर्जन थेरेपी क्या होती है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है, मतलब दिस इज नॉट मेडिकली सर्टिफाइड, बट कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर ये थेरेपी करते हैं. अब इस थेरेपी में क्या होता है, इस थेरेपी में ऐसा माना जाता है किसी को अगर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का कोई पर्सन है तो ही इज मेंटली इल, और फिर उसको दवाइयां देके ठीक करने की कोशिश की जाती है. अब वो होता है कि नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन अपने आप में ये एक एथिकल या एक माल प्रैक्टिस है. पहला, क्या आप मान रहे हो कि जो एलजीबीटी कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है उसका मतलब कुछ मेंटल इलनेस है. दूसरा, आप ऐसी एक प्रैक्टिस या थेरेपी उस पर लगा रहे हो जो सर्टिफाइड ही नहीं है. ठीक है, तो नेशनल मेडिकल काउंसिल है उसने इस चीज को एक मिसकंडक्ट माना है बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मद्रास हाईकोर्ट ऑर्डर. ठीक है, तो इतना ही था इसमें जानने लायक. नेक्स्ट चलते हैं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान. ठीक है, तो हम लोगों ने टीबी इलिमिनेशन जो प्रोग्राम है चला रहे कंट्री में, और ये कह रहे हैं कि बाय 2025 हम लोग इंडिया से टीबी को इलिमिनेट कर देंगे. ऑल्दो ये टारगेट क्वाइट अनलाइकली है, अभी बीच में 2 साल कोविड का हो गया तो उसकी वजह से तो इम्पॉसिबल ही हो गया अब इसको कर पाना. लेकिन जो ग्लोबल टारगेट है वो 2030 में इसे ग्लोबली इलिमिनेट करने का है. तो इंडिया ने उससे 5 साल पहले ही इस टारगेट को अचीव करने का टारगेट रखा है. ठीक है, अब टीबी के रिस्पेक्ट में बात करें तो टीबी कोई बता सकता है, इज इट अ वायरल डिजीज और अ बैक्टीरियल डिजीज? करेक्ट, बैक्टीरियल डिजीज है, तो अपने को पता होना चाहिए. और कौन सा बैक्टीरिया करता है इसको, नाम बता सकते हो बैक्टीरिया का? बहुत बढ़िया, करेक्ट करेक्ट, माइकोबैक्टीरिया इसको करता है. ठीक है, माइकोबैक्टीरिया की भी टाइप्स हैं, तो वो इसको करते हैं. तो हमारा एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरकुलोसिस है 2017 से लेकर 2025. एक हम इसके अंदर नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम चला रहे हैं जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और टीबी हारेगा देश जीतेगा एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं. ठीक है, इसके साथ ही साथ एक बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन वैक्सीन नाम से दे रहे हैं, बीसीजी वैक्सीन पॉपुलरली इसको बोलते हैं, जिसके चलते लोगों में टीबी ना हो. ठीक है, तो ये इनिशिएटिव लिए गए हैं. इसके अलावा निक्षय पोर्टल आपने सुना होगा, ठीक है, जिसके ऊपर हम पूरा ट्रैक कर रहे हैं कि कितने लोगों को टीबी है, उनको टाइम पे ड्रग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो टीबी के रेस्पेक्ट में आप जानते हो ड्रॉट्स का एक ट्रीटमेंट होता है. ठीक है, ड्रॉट्स का 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है. ठीक है, और इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग दिए जाते हैं. ठीक है, जो ड्रग अगर आप लेते हो तो आप ठीक हो सकते हो विद इन 6 मंथ. ठीक है, लेकिन अगर आप ये कोर्स को बार बार छोड़ते हो, बार बार पकड़ते हो, तो दिस कैन लीड टू ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, और फिर वहां पे एक नई लाइन ऑफ ड्रग्स आ जाती हैं. ठीक है, और कई बार होता है कि उस सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स से भी लोग रेजिस्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, तो फिर उनका बच पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो इंडिया के रेस्पेक्ट में इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा टीबी बर्डन है वो इंडिया के अंदर है, तो इसलिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है. अब इसके अलावा एक नया एक ट्रायल जो प्रोसीजर है, ठीक है, एक रिजीम है, एंटी टीबी रिजीम कॉल्ड BAPL. ठीक है, तो इसको ट्रायल के लिए परमिशन मिल गया है, और ये 6 महीने के अंदर जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है उसको इलिमिनेट करने का एक तरीके से प्रॉमिस करता है. तो इसके बारे में पता होना चाहिए, BAPL. ठीक है, ये एक टीबी को टैकल करने के लिए या क्योर करने के लिए एक रिजीम है, मेडिसिन रिजीम. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इनकोवैक के ऊपर. ये इनकोवैक जो है ये भारत बायोटेक जिसने इंडिया के अंदर एक कोविड वैक्सीन बनाई थी पहले, भारत कोवैक्सीन नाम से. ठीक है, तो अब इन्होंने एक नया कोविड के अगेंस्ट एक और नया वैक्सीन बनाया जो कि इंट्रानेजल है. ठीक है, इंट्रानेजल मतलब कि इसको नाक में स्प्रे करके लिया जा सकता है, जैसे नेजी वियोन आपने सुना होगा कि नाक में स्प्रे करो और नाक खुल जाता है उससे, तो उसी तरीके से ये कोविड 19 की वैक्सीन है. अभी तक जो मोस्टली वैक्सीन हमने देखी थी वो इन्वेजिव थी, इन्वेजिव मतलब इंजेक्शन से
ट्रांसफर की जा रही थी, बट अब ये इनवेजिव नहीं है, सीधा नाक के अंदर स्प्रे करना और ये वैक्सीन अपना काम कर देगी. सो दिस इज बेस्ड ऑन रिकॉम्बिनेंट रेप्लिकेशन. ठीक है, रिकॉम्बिनेंट मतलब कि इसमें जो डीएनए है या जो कोविड वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको लिया गया है, और उसमें भी किस पार्ट को लिया गया है, उसका जो स्पाइक होता है, जो जो एंटीजन बनता है उसको उठाया गया और एक एडिनो वायरस के अंदर डाला गया है. एडिनो वायरस एक वेक्टर वायरस होता है. वेक्टर मतलब कि इस एडिनो वायरस के अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं. ठीक है, कोई भी जेनेटिक मटेरियल लाओ, एडिनो वायरस में डालो और दवाई बना के किसी में भी ट्रांसफर कर दो. ठीक है, तो बहुत ही वर्सेटाइल एक कैरियर है किसी भी जेनेटिक मटेरियल का. ठीक है, तो ये इनको वैक के बारे में आपको पता होना चाहिए, बाकी इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं. नेक्स्ट पे चलते हैं. सर्वावैक. सर्वावैक जो है ये एक इंडिया के अंदर ही बनी पहली इंडिजिनियसली डेवलप क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, मतलब नॉट इंटायरली बट इसके कुछ स्ट्रेन जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड से होते हैं. और पैपिलोमा जो वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये सर्विकल कैंसर का बहुत बड़ा कारण बनता है. सर्विक्स जो होता है वो फीमेल यूट्रस जो होता है उसका एक पार्ट होता है. ठीक है, तो सर्विकल कैंसर का ये एक मेजर रीजन बनता है और इंडिया में इसका बहुत हाई बर्डन है. ठीक है, और स्पेशली वुमेन के रेस्पेक्ट में, मतलब वुमेन को ही इफेक्ट करता है ये, तो वुमेन के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है ये. ठीक है, सो ये था सर्वावैक के बारे में. नेक्स्ट चलते हैं. स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन. ठीक है, ये है स्पार्क प्रोग्राम जो कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज CCRAS, जो कि एक एपेक्स बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. ठीक है, तो उसके अंदर ये एक स्कीम लॉन्च की गई है ताकि जो यंग ग्रेजुएट हैं, यंग अंडर ग्रेजुएट हैं, उनको अगर वो आयुर्वेदा के अंदर कोई रिसर्च करना चाहते हैं उसके लिए सपोर्ट दिया जाए. ठीक है, याद रखना स्पार्क. नेक्स्ट चलते हैं नाविक के बारे में. तो अभी सेंटर ने जो स्मार्टफोन है बनाने वाली कंपनीज, इनको बोला है कि आप नाविक जो नेविगेशन सिस्टम है इसको फोन के अंदर रोल आउट करना शुरू किया अगले साल से. तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नाविक क्या है. तो वर्ल्ड के क्रॉस आपको पता है बहुत सारे डिफरेंट नेविगेशन या GPS बेस्ड सर्विसेज चलती, जैसे US का है GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. इसी के कॉरस्पॉन्डिंग चाइना का है बाइडू, यूरोपियन यूनियन का गैलेलियो और रशिया का ग्लोनास. ठीक है, तो उसी की तर्ज पे इंडिया ने अपना एक नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया है नाविक नाम से, जिसको इसरो ने लॉन्च किया था. अब ये जो नाविक है, दिस इज कलेक्शन ऑफ 7 सैटेलाइट्स जो कि कवर करती है इंडिया का लैंड मास प्लस 1500 किलोमीटर ऑफ इट्स नेबरहुड. ठीक है, तो इंडिया का तो कवर करती है, इंडिया का जो नेबरहुड के 1500 किलोमीटर तक भी ये कवर करता है. तो इसका जो सैटेलाइट सिस्टम है इसको नाम दिया गया था इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. ये एक 7 सैटेलाइट का कॉन्स्टिलेशन है. अगर इसको कंपेयर करें हम US के GPS ग्लोनास या चाइना के बाइडू से, तो डिफरेंस क्या है कि ये बाकी जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हमने देखे ये ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क करते हैं, लेकिन इंडिया का ये जो नेविगेशनल सिस्टम है ये एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम है. ठीक है, ये पूरे ग्लोब को कवर नहीं करता है, केवल 7 ही सैटेलाइट अभी. ठीक है, सो इससे एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज तो आप समझ ही सकते हो कि आपको मैपिंग करने की सुविधा मिलेगी, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आएगा, व्हीकल ट्रैकिंग में काम आएगा, फोन या प्रिसाइज टाइमिंग देखने उसके साथ काम आएगा, टेरेस्ट्रियल नेविगेशन करना है किसी को उसके काम आएगा. ठीक है, सो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो पता होने चाहिए. प्लस नेशनल सिक्योरिटी का भी एक इशू आ जाता है कि ये जो मैपिंग सर्विसेज है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, तो अगर ये इंडिया की कंपनीज ही ने यूज़ करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, तो दिस वॉज विद रिगार्ड्स टू नाविक. आगे चलते हैं. इनफ्लेटेबल एरोडायनामिक डेक्सेलरेटर. इसरो ने लॉन्च किया ये IAD टेक्नोलॉजी टू लैंड मिशन ऑन वीनस एंड मार्स. तो ये एक एरोडायनामिक इक्विपमेंट इन्होंने तैयार किया, जिसके थ्रू जैसे ही हम किसी
प्लैनेट के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे हमारा जो भी इक्विपमेंट है या जो लैंडर है उसकी स्पीड को कम करता जाएगा ताकि वो आराम से लैंड कर सके। ठीक है, बाकी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है क्या है इसके अंदर। आगे चलते हैं मॉक्सी। तो मॉक्सी जो है ये इसका फुल फॉर्म है मास ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो ये मॉक्सी एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसके थ्रू हम लोग जैसे ट्रीज ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं बाय टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे ही मार्स के ऊपर हम लोगों ने एक रोवर छोड़ रखा है अभी करंटली। उस रोवर का नाम है परसिवरेंस रोवर, उसके ऊपर ये इक्विपमेंट है मॉक्सी नाम का, और ये प्रोड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन बाय इनटेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इस मिशन के अंदर, इस मॉक्सी के अंदर ये भी बोला गया है कि अगर कभी आगे हम ह्यूमन मिशन छोड़ते हैं मार्स पे तो वहां पे ये ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा भी सकता है। ठीक है, तो अगर कभी हम लोग मार्स के अंदर जाने का सोचे तो शायद मॉक्सी जो है हमारे वहां पे काम आएगा बाय प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। ठीक है, लास्ट आर्टिकल देखते हैं डार्ट। ठीक है, तो इसके ऊपर अपन लोगों ने एक शॉर्ट भी है यूट्यूब पे, आप स्टडी यूपीएससी वाले पे देख सकते हो, उस पे काफी अच्छे से इन्फोग्राफिक मतलब पूरा एक वीडियो है इस पे। ठीक है, तो वहां पे और बेटर समझ में आ सकता है आपको, बट एनीवेज यहाँ पे देखते हैं डार्ट का फुल फॉर्म क्या है, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो नासा ने अभी एक ये सक्सेसफुली जो डार्ट मिशन है उसको कंडक्ट कर लिया। डार्ट मिशन का आइडिया ये था कि अर्थ के लिए हमें एक प्लानिटरी डिफेंस तैयार करना है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि एस्टेरॉयड आता है और अर्थ के किसी पार्ट से टकरा जाता है, या माना जाता है कि डायनासोर खत्म ही शायद किसी एक एस्टेरॉयड के कोलिजन से होते। तो आगे ऐसा कुछ ना हो तो उसके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म हम लोगों ने तैयार किया। इसमें हम क्या करते हैं, हम किसी एक एस्ट्रॉयड जो कि अर्थ की डायरेक्शन में आ रहा होता है उससे हम किसी सैटेलाइट को टकरा कर उसका डायरेक्शन चेंज करवा देते हैं। ठीक है, तो करंटली हमने एक डीडीमोस है, ठीक है, एक एस्ट्रॉयड है, उसका एक मून है जिसका नाम है डाइमॉर्फस। ठीक है, ये एस्ट्रॉयड देख सकते हो इमेज में, डाई डीडीमोस, और उसका ये मून है, या इसको मूनलेट बोलते हैं। ठीक है, मून तो प्रॉपरली किसी एक अर्थ जैसे किसी हेवनली ऑब्जेक्ट का अगर कोई रोटेशन कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि ये मून है इसका, लेकिन एस्ट्रॉयड खुद अपने आप में कोई प्लैनेट नहीं है, तो वहां पे हम बोलते हैं कि ये छोटा सा इसका रिवॉल्विंग बॉडी है, ये मूनलेट है। तो इसका ये मूनलेट था डाइमॉर्फस नाम का, जिससे हमने ये डार्ट मिशन के अंडर एक स्पेसक्राफ्ट जो था इससे टकराया और इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है उसको बदल दिया। अब इसकी जो नई ऑर्बिट है ये रेड में आप देख सकते हो कि बदल गई, इसने थोड़ी सी टक्कर खाई और इसका डायरेक्शन बदल गया। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने सक्सेसफुली चेक कर ली है। तो ये था विद रिगार्ड्स टू डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन, ये नासा ने लॉन्च किया और ये अपने को पता होना चाहिए। अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट या कुछ पूछना है तो नाउ इज द टाइम। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं।